कैसा हो? अनवर अहमद तुम कैसा हो? फतेहपुर का मुखिया कैसा हो? अनवर अहमद तुम कैसा हो? भाला चौप जिंदाबाद, भाला चौप जिंदाबाद, भाला चौप जिंदाबाद। चैनल वाले को स्टेटमेंट क्या चाहते हैं? चैनल वाले को दे रहे थे स्टेटमेंट। भेजो तुम भी सर। अब इसमें पंचायत में किस तरह का मुखिया पता है? हम उस तरह का मुखिया को कराते हैं जो हमारे समाज में शिक्षा को लेकर चले और स्वास्थ्य को लेकर चले। और हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है मुर्शीद आलम यानी अनवारा खातून का पुत्र, उसके अंदर ये क्षमता देखते हैं हम लोग। और ये जब भी ब्लॉक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हाँ, ये खाना खुशी चाट करके नहीं जाते हैं, धड़ल्ले से जाते हैं और पंचायत में अपनी बात को रखते हैं। और हम लोग इसी तरह के मुखिया को चुनना चाहते हैं। हाँ, और हम लोग इसको इस मरतबा जो है ना इसी का चुनाव करने के लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग मुर्शीद आलम को ही चुने। अच्छा, परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम है अब्दुल मतीन से। पंचायत में किस तरह का मुखिया कब चाह? अनवारा खातून। चुनौती क्या है? मोतियों की माला चाह। अच्छा, परिचय? मेरा नाम है सहीमुद्दीन सुल्तानगढ़। बोलिए बोलिए, इधर लीजिए ना, इधर लीजिए, इधर मामा से लीजिए। आपका पूछते क्या हो रहा है? क्यों ना जा किस प्रकार की मुख्या पूछा है? बस अनवारा खान देखा है, चाहिए हम लोग का, क्योंकि ये जो उसका कुछ जो है मुख्य डाला वो 5 साल से बेचा है, इतना मेहनत करता है, एडमिशन का मेहनत करता है हम लोग का गाँव का, सब आदमी जो है उसी को जाता है। और किसी को अनवरा खातून क्यों चाहते हैं? और भी बहुत सारा कंप्लेंट है, बहुत सारा प्रत्याशी अनवरा को ही अपने के चाहे। बहुत अच्छा है, इसके भी बात का सब कुछ चलता भी है, वो लोग कोई भी जाते हैं तो वही दिखते हैं, इसी का ही बात चल रहा है, इसी का ही मदद भी कर रहा है। तब देख रहे थे इस समय इस मुखिया को हम लोग इसके लिए चाहते हैं, कोई भी कांड होता है गांव पड़ोस पूरा पड़ोस में तो तुरंत फोन करते हैं तुरंत पहुंच जाता है, वो भले टाइम से नहीं पहुंचे 2-4 मिनट लेट से पहुंच जाता है। और जो 5 साल पहले मुखिया जी था उनको फोन करते हैं, वो आते नहीं है समय पर, लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए थे स्कूल में, मुखिया जी को फोन किया, ऐसा ऐसा हाल है, वो आया तो भी दूर से मतलब नजारा मार रहा है। और मुर्शीद आलम को हम फोन किए एक बार कि मामा ऐसा ऐसा हाल है, आइए यहाँ पर, तो तुरंत भाग के आया, मसला को सॉल्व किया वहाँ, खाना नहीं मिल रहा था, बोलिए स्कूल में आप जो पूछेगा बोलिए ना। तो इसके लिए जो है हम लोग देश सुन के अभी और अनवारा खातून को हम लोग अभी मुखिया बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं और इसी को जिताएंगे हम लोग। सही मुद्दीन सुंदागाट शीतलपुर पंचायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज़ दबी जुबा के दास्ता और इस समय मौजूद है आजम नगर प्रखंड अंतर्गत सिद्धपुर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से अनवरा खातून मुख्य प्रत्याशी उनके पुत्र मुर्शीद आलम हमारे साथ है, उनसे सीधे आपको मुलाकात कराते हैं। नमस्कार सर, दबी जुबा आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके मैं सीतलपुर पंचायत की जनता और युवक नौजवान और हमारे दोस्त हमारे बुजुर्ग माताओं बहनों का मैं सम्मान करता हूं और नमन करता हूं कि पंचायत चुनाव बहुत करीब है और मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारा जो अपना एक लक्ष्य है, हमारा जो एक आशा और विश्वास है, मैं आशा और विश्वास के साथ इस पंचायत में उतरा हूं आप लोगों का सेवा और सम्मान के लिए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विगत हमारे पंचायत में 20 वर्षों से 4 साल
चार चार मुखिया को लोगों ने अपना जनमत दे के, अपना मत दे के अपना मुखिया प्रतिनिधि मुखिया बनाने का काम किया, लेकिन सबों ने हमारे पंचायत के जनता को लूटने और खसोटने का काम किया, धोखा देने का काम। बुजुर्ग जी, आपसे एक सवाल होगा कि आप किन किन मुद्दों को लेकर पंचायत चुनाव में? सबसे पहले मेरा मुद्दा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल और आपका क्या कहता है वो नौजवान और माताएं बहनों का सम्मान करना, नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा का ये मेरा ध्यान रहेगा। और ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी होता है, इस भ्रष्टाचारी को दूर करना ये मेरा मुद्दा है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा और कार्यपालक कार्य का आपका पंचायत का जो कार्य क्षेत्र है वही मेरा सबसे पहला प्राथमिकता विकास का मुद्दा लेके रहेगा। यदि जनता आपको वोट में बहुमत देती है आपका सर्वप्रथम कौन सा कार्य होगा? मेरा सबसे सर्वप्रथम मेरा स्वास्थ्य, आदमी स्वस्थ रहेगा तो ही शिक्षा प्रदान कर सकता है, आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। तब आपके पास शिक्षा होगा तो अपना अनुभव, अपना मुद्दा को अपना भाई मुक्त होकर ये पंचायत का विकास हो सकता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाता बंधुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि आज चुनावी माहौल है, बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग अपने अपने बातों को लुभाने का कोशिश करेंगे। मैं अपने मित्र बंधु, अपने सम्मानित मतदाता को कहना चाहूँगा कि आप अपना फैसला वैसे व्यक्ति के हाथ में दीजिएगा जो आपका कल दिन जाके सम्मान और इज्जत कर सके और पंचायत का विकास पूर्ण रूप से कर सके।